आज हम आप लोगों को जो है सामाजिक विज्ञान के विषय में बताएंगे। आपको बताया गया था कि सामाजिक विज्ञान में जो चार विषय हैं, आपको चार विषय से जो आपका पहला इतिहास आता है, दूसरा भूगोल, दो विषय आपको सिलेबस उसका उपलब्ध करा दिया गया था। आगे आपका तीसरा जो विषय आता है वह है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। नागरिक शास्त्र जो है उसमें चार खंड हैं। पहले खंड का नाम है इकाई एक। इकाई एक के अंतर्गत दो अध्याय आते हैं। अध्याय एक का नाम है सत्ता की साझेदारी। ऐसे सत्ता का बंटवारा कैसे होता है या सत्ते की साझेदारी कैसे होती है, उसके विषय में आपको आगे बताया जाएगा। दूसरा अध्याय जो है संघवाद, जैसे चुनाव ना होता है तो उसमें संघ बनता है, यह संघवाद किसे कहते हैं, क्योंकि जो चुनाव होता है या चुनाव से संबंधित जो जो भी घटनाएं होती है, जो भी चीजें होती है, वह संघवाद के ही अंतर्गत आती है, वह समूह के अंतर्गत ही आती है। तो आगे आप लोगों को जो है संघवाद के विषय में बताया जाएगा। अब इकाई दो, इकाई दो में अध्याय तीन जो है उसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र के विषय में आपको बताया जाएगा। और इसमें हर एक राजनीतिक पार्टी जो हैं अलग अलग होती है, उसके विषय में आगे बताया जाएगा। अध्याय चार जाति धर्म और लैंगिक मसले। आपको जो है जात के विषय में बताया जाएगा, क्योंकि आज की जो चुनाव होता है अधिकतर जो चुनाव होते हैं वह जात के है आधार पर होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं देखता है कि कैसा जो है नेता होना चाहिए, वह सभी जो अधिकतर देखते हैं कि हमारे ही जात का हो। कार्य कोई नहीं देखता है कि हमारा जो नेता होना चाहिए वह अच्छा होना चाहिए। इकाई तीन, इकाई तीन है अध्याय पाँच। अध्याय पांच का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष किसे कहते हैं, जैसे जो चुनावी पार्टी जो चुनावी पार्टियां हैं या जो राजनीतिक दल हैं, वह अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जीतने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करती हैं, जो कि सोचती हैं कि हम ही जीतें, अगली पार्टी सोचती हैं कि हम ही विजय बने। तो उसके विषय में जो संघर्ष हुआ है उसके विषय में आगे बताया जाएगा। अध्याय छः, अध्याय छः का नाम है राजनीतिक दल। आपके भारत में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके विषय में बताया जाएगा। इकाई चार अध्याय सात लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र किसे कहते हैं, आज हम आप लोग जान रहे हैं कि राजतंत्र समाप्त हो गया है और लोकतंत्र आ गया है। जो भी सरकारें होती हैं वह लोकतंत्र के माध्यम से ही चुनी जाती हैं। आगे आपको जो है लोकतंत्र के विषय में बताया जाएगा। अध्याय आठ है, अध्याय आठ का नाम है लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां। लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती है उसके विषय में आगे आप लोगों को बताया जाएगा। यह है आपका पूरा नागरिक शास्त्र का पूरा सिलेबस है, जो कि नागरिक तीन विषय का सिलेबस आपको उपलब्ध करा दिया गया है।